इंदौर में लगातार कोरोना संक्रमितों के आंकड़े बढ़ते ही जा रहे हैं। प्रशासन व व्यापारी शहर हित में बैठकों का दौर कर रहे हैं। सभी की मंशा है कि शहर हित में शनिवार व रविवार को लॉकडाउन किया जाए, साथ ही शाम को 6 बजे तक ही व्यापार व्यवसाय हो। मंगलवार को कलेक्टर के साथ अहिल्या चैंबर ऑफ कॉमर्स के बैनर तले सप्ताह में 2 दिन व्यापार को पूरी तरह बंद रखने की सहमति दी। इंदौर में कोरोना संक्रमितों के आंकड़े रोजाना 400 के पार आ रहे हैं, इससे अब चिंता की लकीरें साफ झलक रही हैं। मंगलवार देर रात को एक ही दिन में 446 नए संक्रमितों की घोषणा स्वास्थ्य विभाग ने की है। संक्रमितों के आंकड़े इसी तरह बढ़ते रहे तो स्थिति का अंदाजा भी नहीं लगाया जा सकता। शहर के प्रमुख व्यापारी एसोसिएशन अहिल्या चैंबर ऑफ कॉमर्स के साथ मंगलवार शाम कलेक्टर मनीष सिंह ने चर्चा की। बैठक में दर्जनों की संख्या में शामिल हुए एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने कोरोना संक्रमण की चेन को ब्रेक करने के लिए सप्ताह में 2 दिन शहर में व्यापारिक प्रतिष्ठान बंद रखने की सहमति दी। इसके साथ ही व्यापारियों का ये भी कहना था कि हर रोज शाम 6 बजे तक ही दुकानें खुली रहें। कुल मिलाकर व्यापारी व प्रशासन चाहते हैं कि शहर में व्यापार भी चले और कोरोना का संक्रमण भी ना फैले। और के व्यापार व्यवसाय में अहिल्या चैंबर एक संस्था है जिसे लगभग सभी एसोसिएशन जुड़े हुए हैं। आज हमने स्वयं ने सब एसोसिएशन से मिलकर यहाँ पर स्वैच्छिक निर्णय लिया है कि सप्ताह में 2 दिन अपना व्यापार पूर्ण बंद रखेंगे, शनिवार और रविवार। यहाँ पर लगभग 55 एसोसिएशंस को इनवाइट किया गया था। सदस्य तो करीब करीब 110 सक्रिय हैं जो अहिल्या चैंबर से जुड़े हुए हैं, किंतु सोशल डिस्टेंसिंग को देखते हुए बड़े बड़े एसोसिएशंस को इनवाइट किया गया था। यहाँ यह आम समिति भी बनी है कि शाम को 6 बजे बाद व्यापार बंद कर देंगे। कुछ मेंबर्स हर सोसाइटी में ऐसे होते हैं जिन्हें कुछ कानून का या एसोसिएशन के निर्णय का उल्लंघन करने का कुछ शौक सा होता है। यदि इस प्रकार के किन्हीं व्यापारियों ने इन बातों को नहीं माना और अपनी दुकान अपनी व्यवसाय शाम को 6 बजे बाद चालू रखी या शनिवार इतवार को छुट्टी नहीं रखी, तो ऐसे लोगों के विरुद्ध कार्रवाई करने के लिए हम माननीय जिलाध्यक्ष महोदय का, स्थानीय प्रशासन का सहयोग लेंगे और उनके विरुद्ध जो भी आवश्यक कार्रवाई होगी उसे करवाएंगे, किंतु पूरा प्रयास करेंगे कि इंदौर में इसका पालन हो ताकि कोरोना की चेन टूटे नहीं, तो कम से कम उसको रोकने में, उसको कम करने में ये स्टेप है। आज अहिल्या चैम्बर्स के साथ में हम लोग लगभग 55-60 एसोसिएशन की मेंबर्स थे और उनके साथ चर्चा हुई है और चर्चा का निष्कर्ष ये निकला है कि सैटरडे संडे सभी दुकान बंद करने के सहमत हैं शहर के स्वास्थ्य को देखते हुए। शाम को 6 बजे के बाद भी व्यापार बंद कर किया जाएगा, सभी की सहमति थी कि साहब हम बंद कर देंगे। और ट्रांसपोर्ट को थोड़ा इस पर रिलैक्सेशन दिया है हम लोगों ने, सभी व्यापारियों ने मिल करके, कि उसमें संडे को बंद रखेंगे, शाम को 6 बजे वाला प्रतिबंध ट्रांसपोर्टर्स पे नहीं रहेगा, क्योंकि ट्रांसपोर्टर का काम इन सभी व्यापारियों के लिए अति महत्वपूर्ण है। और इसी क्रम में बाकी एसोसिएशन से भी आपकी मांग थी कि जो मॉल्स के एसोसिएशन हो गए या जो बेस्ट प्राइस टाइप के जो रिटेल आउटलेट्स हैं या होलसेल आउटलेट, उनके भी बात की जाए, उनसे भी हम लोग बात कर रहे हैं। और ये सभी अहिल्या चैम्बर अपने लेटर हेड पर सभी एसोसिएशन की सहमति दे रहे हैं और इनका ये अनुरोध था कि साहब इसकी स्वीकृति, हम जो एसोसिएशन चाह रहे हैं, निर्णय ले रहे हैं एकमत होकर के, सबने हाथ भी उठाया, इसकी स्वीकृति सहमति प्रशासन दे दे ताकि उसका इन्फोर्समेंट फिर हम लोग ठीक से करा सकें। इसमें इन्फोर्समेंट भी कराया जाएगा, अगर किसी एसोसिएशन में कुछ सदस्य इसको पालन नहीं करते हैं तो उसमें भी सब एकमत थे साहब, उनके खिलाफ़ कार्रवाई की जाए, तो उसके लिए हमको एक आदेश जारी करना पड़ेगा, वो हम उसमें उचित आदेश आपके आवेदन पर करेंगे ताकि जो भी उल्लंघन करेगा, ये जो एसोसिएशन ने निर्णय लिया है और सभी व्यापारियों ने एकमत होकर निर्णय लिया है, उसका जो भी विरोध करेगा उस पर हम लोग कार्रवाई कर सकते हैं।